We have been going through the twenty-first chapter, the penultimate chapter of Sri Komatasar Jivakanda. That is called Antar Bhavadikar.

प्राकृत ग्रंथ चतुर्थ बुक है देर आर फाइव बुक्स इन दैट जो शतक नाम का बुक है ये मंगलाचरण है उसका का में पता नहीं है सर्व प्राचीन मालूम पड़ता है सकल शशि कातम का नानदरम तो आप देखेंगे भगवान का वतन जो है सकल कला से परिपूर्ण पूर्णचंद्र के सम जो वतन उनके श्रीमुख निर्मल गातम उनके दिव्य तेजोमय तेजोमय रूप जो गात शरीर और नानदरम प्रशस्त सर्व सर्वे सर्व उच्च है सर्व प्रशस्त है सर्व सर्वोच्च है सर्वोत्तम सर्वोत्तम नानद भगवान का ये तीन गुणों का यानी कि भगवान का श्रीमुख का और उनका जो शरीर का यानी कि रूपस्तव ये दोनों रूपस्तव कहा जाता है और वस्तु सव या गुण जो ज्ञान के बारे में ये वस्तु स्तव तो रूप में भगवान ने ने के वीर भगवान का वंदना किया पनमीय से रसा वीरम सुयनानादो पदम बोचम सुधरान के दृश्यवाद के बारवा अंक जो दृश्यवाद के उस पद को मैं बताता हूँ ये इसकी जो हम लोग आजकल अध्ययन कर रहे हैं तो रादर सार का दृश्य दृश्यवाद से पीछे हम लोग ने इसके उत्पत्ति उद, के बारे में उद्भव के बारे में शुरू शुरू में इसके बारे में बताया था जैसे ही वह अंतर्भाव अधिकार आप अक्सर हम बात करते आ रहे हैं 20 है उसका का इंट्रैक्शन को हम करेंगे मैथमेटिकेट ट्वेंटी इंटू नाइनटीन थ्री हंड्रेड एंड एटी टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन आर पॉसिबल सो ये है बेसिक दिस विल टेक ऑलमोस्ट टेन इयर्स फॉर टू रियली सो फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट टेकन फ्यू एग्जाम्पल से मार्गना से गुणस्थान मार्गनाओं में गुणस्थान दिस इज वन इंट्रैक्शन मार्गनाओं में जीव समाज अनदर टाइप ऑफ इंट्रैक्शन गुणस्थानों में जीव गुणस्थान में पर्याप्ति और गुणस्थान में प्राण गुणस्थान में संख्या सो ऐसे और जीव समास्थानों में उपयोग मार्गनाओं में उपयोग गुणस्थानों में उपयोग जीव समासों में योग मार्गनाओं में योग गुणस्थान में योग ऐसे ऐसे ही हम लिस्ट कर सकते थ्री हंड्रेड एंड एटी टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन आर पॉसिबल दैट बाय एनालाइजिंग बाई एनालाइजिंग ईच वन ऑफ दम वी अंडरस्टैंड दे काइंड ऑफ जीवों का गुणों के बारे में उनके जो आउदय के बारे में क्षय समय भाव के बारे में और और ये दो परिणाम भाव तो है ही ये दोनों मुख्यतः हम समझ पाते सो so, पिछले चार हफ्तों से तो हम लोग ये जो मार्गनाओं में गुणस्थान और जीव समाज का समझने की कोशिश कर रहे हैं उस संदर्भ में उस श्रृंखला में हम बारहवें गुणस्थान के बारहवें मार्गना सम्यक्त बारे में सम्यक प्रकरण के बारे में विशेष रूप से जानने की कोशिश की परम पूज्य वीरसेन स्वामी अपने जो ग्रंथ ठीका ग्रंथ दावला में तो ये एक पुस्तक डेडिकेट किया हुआ सम्यक उत्पत्ति के बारे में ये पुस्तक छठवां पुस्तक है ये सम्यक के बारे में बात करता है, 500 पेज से ज्यादा है सो सम्यक मार्गना में गुणस्थान और और सम्यक तो मार्गना के बारे में बात करते वक्त हमें सम्यत्व का वेद को ध्यान रखना चाहिए इसमें छह तरह का सिक्स टाइप्स ऑफ वेद होते हैं पहले सर्व उत्तम सम्यक दृष्टि साक्षाई है इसका अगला है वेतक सम्यक्वयोग है तीसरा उप समय सम्यकत्व है चौथा है साधन पांचवा सम्यक विद्या दृष्टि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति को उदय होने से सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान तीसरा गुणस्थान और साथ साथ दूसरा गुणस्थान और अंतिम में जो सम्यक तो बिल्कुल ही नहीं है वो मिथ्यात्व का परिणाम होता है वो मिथ्या छे सो सम्यक तो का स्टार्टेड विद स्ट्राइक एंड आल्सो मिथ्यात्व कभी इसमें जोड़ा जाता है सो so, इसमें कोम्सार में छह पहचान के गाता है मेचो सा सना मिसो सका सका ठाना में वो दी आयदा दो पढ़ा मैं ऊपर सम्म वेत है वेत वेत सो मिस्र गुनास्तान में यानी कि की मिस्यात्व साधन मिश्र गुणस्थान अपने अपने गुणस्थान में इनकी सम्यक्त होता है सो मिथ्या दृष्टि तो सम्यक्त तो से वंचित है उसका विपरीत मित्त्म कर्म को उदय है साधन में सो कोई भी मिथ्यात्म कर्म को उदय नहीं है इसलिए सा साधन होता है यानी कि अनंतानुपंथी कषाय का कोई न कोई कषाय उदय होने से उस थोड़ा सा इस वेरी अंतर्म छ आवलिक प्रमाण काल है वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड उसमें ये जीव जो है मिथ्यात्व तो का ना होते हुए कषाय के उदय से साधन होता है यानी कि उसकी जो श्रद्धा है वो मिक्स्ड है श्रद्धा कलंकित हो जाता बिकॉज कषाय वजह तो से बट मिथ्यात्व तो कर्म बिल्कुल उदय में नहीं है मिश्र जो मिध्यात्म प्रकृति का एक भाग सम्यंग सम्यंग को उदय होने से यानी कि सही है नहीं है ऐसे संशय रूप में विध्यात्म होता है श्रद्धा भी है ना भी है सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज मिश्र गुणस्थान सो ये तीन तरह के so सो मिश्र गुणस्थान में Uh, मिथ्या दृष्टि सो एक गुणस्थान तो हो ही गया सासातन भी एक गुणस्थान मिथ्या सम्यक मिथ्यात्व तो भी एक गुणस्थान मिश्र मिश्र मिथ्या भी गुणस्थान जीव समास मिथ्यात्व तो गुणस्थान में चौदह को चौदह जीव समास पॉसिबल है और सासातन में सात जो जीव समास पास क्या है सासाधन में बातर बादर एक द्वि इंद्रिय ते इंद्रिय चौ इंद्रिय अपर्याप्त तथा पर्याप्त अपर्याप्त ये सात जीव समास होते हैं यानी कि एक इंद्रिय दो इंद्रिय दो तीन इंद्रिय तीन चौदह इंद्रिय चार असंगी अपर्याप्त पांच संगी पर्याप्त अपर्याप्त छह और सात संगी के पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्था में सात के होते हैं किसी को उन्होंने ये टेबल में आपका ऑडियो थोड़ा ऑडियो थोड़ा ठीक कर सकते हैं ऑडियो आपका बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है अच्छा ये कहीं टच हो रहा हो ओके सर मैं देखता हूँ इज इट ओके इज इट ओके सर नाउ इज इट फाइंड सर आई थिंक सो इज इट ओके सर नाउ I think uh, sir's, uh, problem is is there। okay. Perfectly perfectly। okay, okay। Your uh, your audio audio मोबाइल से नहीं तो मैं भंडारी सर है प्राप्त होने के पक्ष में संज्ञ पर्याप्त और देव अपर्याप्त दो देव ना ये प्रश्न ये मन में आता है ये संज्ञ पर्याप्त अपर्याप्त ये दोनों कैसे हो जाता है जो पीछे कहा था मैंने छह आवली परिमाण ये सासातन का बहुत शॉर्ट पीरियड में होता है ये साधन सम्यक जो है जब उपसम से जब जीव नीचे गिरता है जो अवरोगन करता है गुणस्थान में तब सासातन सम्यक होते हुए वो, वो मिद्यात्म गुणस्थान में पहुंचता है पहुंचने से पहले साधन में देखेंगे ऐसे अवस्था में क्योंकि सम्यक्त को प्राप्त का जो योग्य है वो संगी पर्याप्त होते हैं पंचेंद्र जीव है संगी है माइंडफुल है और पर्याप्त है जब वो नीचे गिरते वक्त संघ पर्याप्त तो है ही अपर्याप्त क्या है ये देव पर्याय के हिसाब से अपर्याप्त है यानी कि मान लीजिए साधन में आते ही उसके मरण हो जाए उस जीव का आयु पूर्ण हो जाए और अवश्य में वह देव पर्याप्ति मिलता है देव गति मिलता है देव गति में और उस अपर्याप्त अवस्था में सा साधन स्थान रहता है जो मरण के इमीडिएटली रहता है इसलिए सात को उन्होंने समझाया हमें मिश्र गुणस्थान में संगी पर्याप्त जीव समास ही होता है मिश्र में क्योंकि करें जो जो लक्षण है तो प्राप्त करने का लक्षण संज्ञा होना चाहिए इसलिए पर्याप्त अवस्था में ये होता है ये उन्होंने इसको समझाया प्रथमो असम्य से अप्रमत्व गुण स्थान पर्यंत होता है प्रथमो तो उत्पत्ति योग्यता असम्य से लेके यानी चार चौथा चो, गुणस्थान से लेके सा गुणस्थान तक यानी कि चार गुणस्थान में ये होता है प्रथमो समित के मर, में मरण का अभाव होने से जीव समास एक संगी पर्याप्त होता है तो इसमें संगी पर्याप्त जो क्योंकि समय तो का लक्षण है उसमें मरण नहीं हो पाता मरण होता नहीं उस टाइम पे इसलिए ये कि उसका जीव समास है वेद का सम्यक दृष्टि जीव असम्य सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत्व गुणस्थान तक होते हैं यानी कि दैट इज ऑल्सो चार गुणस्थान तक उसके रेंज है वेदक सम्यक्त में अपर्याप्त अपर्याप्त दो, दो ही होते हैं दो होते हैं क्योंकि तो कर्मा नामक प्रथम नरक में भवन त्रिक को छोड़कर देवों में और भोग भूमि मनुष्य तथा त्रिच में अपर्याप्त दशा में भी वेदक सम्यक्त होता है यानी कि Uh, मान लीजिए एक uh, मनुष्य जीव है वे तक सम्यक दृष्टि है उसका जब मरण होता है तब ये या तो प्रथम नरक में जाता है पहले ही आयु बंद होने कारण से या उसे और तीनों देवों को छोड़ के यानी कि भवन व्यंतर और ज्योतिष को छोड़कर क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव वहाँ पैदा नहीं होता और वहाँ जाके या तो भोग भूमि में जाता है मनुष्य अतिरिक्त रूप में से उस उस जन्म के अपर्याप्त उसके तीन समय के पीरियड में अपर्याप्त दशा होने से है उस तो 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 इसलिए उसकी दो गुणस्थान बताया पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों चायक सम्यक दृष्टि को असम्य सम्यक दृष्टि से लेके अयोग केवल पर्यंत ग्यारह गुणस्थान होते हैं वेरी लॉन्ग रेंज फोर्थ गुणस्थान से लेके फोर्टीन तक यानी कि ग्यारह गुणस्थान होते हैं और जीव समास एक ही केवल संगी होता है। तो इसमें कुछ बता रहे हैं पर्वों की आयु की अपेक्षा प्रथम नरक बहुत मनुष्य तेजेंश और वैमानिक संपत्ति अपर्याप्त होने से दो तो इसमें आप देखेंगे कि जो जीव समाज दो दिखाए गए हैं क्योंकि चायिक समय दृष्टि का जब मरण होता है उसकी अगले भाव के हिसाब से पर बहु के हिसाब से अपर्याप्त अपर्याप्त अवस्था को भी जोड़ा गया है यद्यपि सिद्धों में भी चाय समय कृष्ण होता है किंतु सिद्ध का जीव समाज जैसे ऐसे कोई वर्गीकरण नहीं है जीव और गुणस्थान से अतीत होते हैं शुद्ध ब्रह्मेश्वर दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक नारक जीव असम्यद सम्य दृष्टि गुणस्थान में क्षायक सम्य दृष्टि नहीं हो सकता सम्यता सम्य गुणस्थान में क्षायिक सम्य दृष्टि नहीं हो पाते सो so, क्षाय सम्य दृष्टि का केवल ये होता कि मनुष्य क्षाय सम्य होते हुए जब पूर्व का आयु बंद हो गया तो तब वो प्रथम नगर नरक तक जाता है नहीं तो वो ऐसे विमान वास यानी कि वास, वास में जन्म लेता है तथा सूत्र में एक सूत्र है सम्यक तम केवल सम्यक भावना से ही कोई व्रत कुछ नहीं है जीव जो कल्पवास में पैदा होता है नीचे नहीं ज्योतिर्लोक में

उसकी आप देखेंगे कि अविरत सम्यक दृष्टि चौदह गुणस्थान स्थान से लेकर उपशांत मोह ग्यारहवें गुणस्थान तक होता है क्योंकि उपसम श्रेणी में चढ़ते वक्त ग्यारहवें गुण तक ये स्पर्श करता है इसलिए इसकी चार से ग्यारह गिनेंगे आठ गुणस्थान स्थान रेंज मिलता है और क्योंकि अप्रमत्व गुणस्थान में द्वितीय सम्यक तो को उत्पन्न करके ऊपर उपशम उपशांत कषाय पर्यंत जाकर नीचे उतरने पर और पर्यंत, पर्यंत पर्वत भी उसका अस्तित्व है, रहता है उससे जीव समाज सनि पर्याप्त तथा देव अपर्याप्त दो होते हैं जीव समाज दो होने कारण एक तो शनि पर्याप्त है मनुष्य भव में और पूर्व अगले भव में पर भव में देवगमन में देव गति में असम्य रूप से अपर्याप्त अवस्था शुरू में आरंभ में होता है उपशम श्रेणी वाला जीव द्वितीय सम्यक्त के साथ मरते हैं और देवों में उत्पन्न होते हैं अतः उनको उनके उसकी अपेक्षा अपर्याप्त काल में द्वितीय पाया जाता है नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट तेरवा मार्गना संुणस्थान आई होप यू कैन सी गुणस्थान देव समाज तो दो ही आपको पता है संइंड पंचेंद्र जी सी विद माइंड सी और विथ माइंड असनी सो दो होते हैं सन्नी सन् खीन कसा होती हो तावरकाय पगुडी असन्नित्ति हवे असन्नी दू संज्ञी व असंगी दोनों गर्भित है इसमें संज्ञी कहते असंग भी जोड़ा जाता है संजी मिद्या संजी जीव है मिद्या दृष्टि से लेकर मिथ्यात्म गुणस्थान से लेकर क्षीन कषाय गुणस्थान पर्यंत होता है तो संय जीव है क्योंकि सैन्य का सम्य तो प्राप्त होने का योग्यता है इसलिए संय्यादी गुणस्थान से लेके बारहवें गुण स्थान तक तो इसलिए इसकी देखेंगे आप यहाँ पे बारह दिखाया गया उसमें जीव समाज संग पर्याप्त आप और अपर्याप्त तो दो होते हैं क्योंकि संय जीव है हमने पीछे कहा वो, वो क्योंकि उसके पर बहु के हिसाब से अगले भव के हिसाब से भी जो जन्म के अंतर्मूत काल तक का अपर्याप्त होता है अवस्था होती है असंख्य जीव सावर जी काय से असंख्य पंचेंद्र विद्या दृष्टि गुण में होते तो तो ही होते हैं तो असंघ जी वो असंघ कहते हैं एक ही गुण है आप देखिए एक मिद्यात्व का कर्म का उदय होने से वो एक ही गुणस्थान में रहता है उसका गुणस्थान बढ़ता नहीं नियम से उससे बारह जीव समास होते हैं क्योंकि संघी पर्याप्त संबंधित दो जीव समास नहीं है तो चौदह जीव समास में संघी पर्याप्त और अपर्याप्त को आम छोड़ देंगे तब बारह गुणस्थान उसके होते हैं यही हम दिखाएंगे गए में से मात्र एक मिद्यादृश्य गुणस्थान होता है आता है असंख्य पंचयंत्री एक जहाँ तक के असंख्य होते हैं गुणस्थान में तो ही होता सो संयुक्त प्रकरण में संयुक्त तो मार्ग में बात कर रहे हैं सो so, असंख्य जो आ, वो, प, वो जो पर्याय है वो जो स्थिति है वो मिथ्यात्व तो गुणस्थान में होता है उसके बारह जीव समास होते है। लास्ट हैं लास्ट है आहार मार्ग ना चौदह मार्ग लास्ट मार्ग आहार मार्ग में गुणस्थान समाज ताजोगी चरी मोति आहारी अना अनाहारी सिद्धे वी नायबो आहार मार्गना में दो भेद है एक तो आहारक दूसरा अनाहारक So, सो से लेके तेरहवें गुणस्थान संयुग पर्यंत जीव आहारक होते हैं जो आहार वर्गनाओं का जो ग्रहण करते हैं या आहार कहलाते हैं आहार वर्गना हमने तेईस वर्गना में एक आहार वर्गना का देखा आहार वर्ग का ग्रहण जो है ये तेरह गुणस्थान में रेंज मिथ्यात्व गुणस्थान से लेके सयोग पर्यंत आहारक होते हैं उनमें जीव समाज चौदह होते हैं क्योंकि इसमें सारे पूरा जीव आ जाता है और मिथ्या दृष्टि सासाधन असम्यत और सहयोग के विधि चार गुणस्थान है यानी कि दृष्टि सासन दूसरा असम्य चौथा और सहयोग के विधि तेरह ये ते चार गुणस्थान में कार्बन योग के समय अयोग्य और सिद्धों में अनाहारित यानी कि की अनाहारक में मिथ्या दृष्टि जब ये कार्मण योग को प्रयोग करता है यानी कि मरण होते ही जो कार्मण योग का प्रयोग होता है आहार बात मानता है उस टाइम पे साधन में भी ये योग्यता है असम्यत में है और सहयोग केवल में सहयोग केवल में कार्मण योग होता है जब उनका जो समुद्घात करते हैं भगवान तो इस चार गुणस्थानों में होते हैं उस पीरियड में कोई आहार वर्गना को ग्रहण नहीं करते। तो और और सिद्ध करोगी में बिल्कुल अनाहारक होते हैं कोई भी कर्म को आश्रव नहीं होता उसमें जीव संबंधी सात होते हैं यानि हम पीछे विद्या को हमने सात प्रकार के जीव समाज अपर्याप्त संबंधी सात होते हैं यानी कि पर्याप्त की बात नहीं हो रही है क्योंकि ये जो कार्बन योग में अपर्याप्त अवस्था में होता है इसलिए पर्याप्त का साथ नहीं होते हैं अपर्याप्त का सात होते हैं और अयोग्य के एक पर्याप्त होता है अयोग्य भगवान का जब अनाहारक होते हैं पर्याप्त अवस्था में अनाहारक होते हैं इसलिए इसके जीव टोटल आठ होते हैं नव अगला जो अंतर्भाव है गुणस्थान में जीव समाज इसको हमने डिस्कस कर चुके हैं तो नहीं वो तो मार्ग नाम है था। तो, ओके तो देख लेते हैं सो तो जो चौथा गुणस्थानों में जीव समास का स्प्रेड कैसा है तो ये देखे नीचे चौथ स जीवासन आयते पमत्त विरदे अप्रत्यय सन्निदुगम शेष गुणे सन्नी पुण्यो तु, तु खीनोति यानी कि आप देखेंगे टेबल यहाँ पर है मिथ्यात्व गुण संघ में ऑल द फोर्टीन जीव समास पॉसिबल है साधन गुणस्थान में जो दो तरह के जीव समास है यानी कि संज्ञ पर्याप्त और संज्ञ अपर्याप्त पीछे हम बात करके आए इज यहां पे और प्रमत्त सम्यत सम्य वाला इनमें भी संगी असंगी रूप से पर्याप्त अपर्याप्त रूप से दो जीव समास होते हैं साधन नंबर टू असम्यत नंबर फोर प्रमत्त सम्यत नंबर छ इन तीनों गुण स्थान में संजी होते हैं बट पर्याप्त अपर्याप्त दो भेद हो जाते हैं। तथा बारहवें गुणस्थान पर्यंत के शेष आठ गुणस्थान में मात्र सैन्य पर्याप्त एक जीव समासी होता है यानी कि हमने एक दो तीन चार हो गए और बीच में आप देखेंगे कि एक ही होता है दैट इज देश आसन अप्रमत अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्मीण कषायनि यानी बारहवें गुण गुणस्थान तक गुन, जो गुणस्थान का जो लेंथ है उसमें सारे एक ही जीव समास होता दया सैनी पर्याप्त होता है और पीछे हमने कह के आए हैं सहयोग केवली में दो जीव समास होता पर्याप्त अपर्याप्त अपर्याप्त में वो समुद्गात के रूप में और अयोग केवल में लास्ट में अयोग केवल में केवल एक ही पर्याप्तता होता है ये हमने पीछे समझा ये जो थोड़ा एक्चुअली गड़बड़ हो गया एक मिनट दीजिएगा सॉरी मिनिमम इसके आका चला गया

जो एक्चुअली ये फॉन्ट साइज कम होने से थोड़ा दिक्कत आ रहा है यार यस के में स्कैनाइज गड़बड़ हो गया इसको आई शुड एक्सेप्टेड दिस चेंज कह रहे हैं अब जो यहां पे यह एक, एक 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 अक्षर वाला यह प्रयोग करते हैं पूर्व अर्थ में यह या से यानी जटी से जाना चाहता है हम लोग ये संयोग के लिए में भी दो जीव समास होते हैं संय पर्याप्त असंग अपर्याप्त मैंने समझा दिया इसको टीका कारण है समझाने यदाउट इंक्लूड अपर्याप्त भी जोड़ा गया ये छोटा होने से मुझे दिक्कत आ रही है आपको तो भी तथा तो कहा था कि उत्तरार्थ में तू यानी कि संस्कृत ये तू है यह संस्कृत में तू कहते हैं शब्द तो जाना जाता है कि अयोग में भी एक संघी पर्याप्ति ये समास क्योंकि ये जो निविश सिद्धांत चक्रवर्ती का ये बड़ा संक्षेप में कर देते हैं ये यूज द वर्ड यू इसके जो ठीकाकरण है कहा भाई इसका मतलब है यहाँ पे सहयोग केवलि में दो जीव समास है जू में यू शुड इंक्लूड आयो के बोले भी जोड़ना चाहिए मतलब प्राण न गुणस्थान में पर्याप्त और प्राण के कथन यानी कि बीस प्ररूपना में आप याद होगा पर्याप्त एक प्ररूपना है और प्राण दूसरा है उसमें इसके थोड़ा सा विवरण देते हैं पच्ची पाना बी ये सुगम भाविंदीय न जोगिमी सही चुस्सा चुस्सा आभू प्राण के बारे में क्षीण कर दस प्राण होते हैं यह देखिए कैन सी यू दिस। सो ये गुणस्थान दिया गया मित्यात्म गुणस्थान में छे पर्याप्त होते हैं यानी कि ऑल द सिक्स पर्याप्ति पर्याप्ति छे प्रकार के हैं ये यहां से लेके चीन कषाय पर्यंत जय जी ने छे पर छ्याप्त पॉसिबिलिटी है संभव है सहयोग के केवलिको जो पर्याप्ति है तो ये जो है छे द्रव्य रूप से द्रवेंद्र रूप से भावेंद्र रूप से नहीं उसके बारे में एक स्लाइड है और आयो की को कोई पर्याप्ति नहीं है क्योंकि तो सभी क्षय कर देते क्षय तो समय एक भाव है उन्होंने क्षय से केवलिक कोई पर्याप्ति नहीं है प्राण के बारे में ये कहते हैं आप देखें प्राण जो है विद्या दृष्टि से लेके क्षीण कषाय पर दस प्राण पॉसिबल है यानी कि चार प्राण से लेके दस प्राण का यहाँ पे विद्या दृश्य में होता है सो एट मैक्सिमम दस प्राण पास यानी कि यहाँ पे प्राण जो है बारह गुण स्थान तक दस प्राण जीव को मिल सकता है के केवल में ये अपना प्राण को कम करते जाते हैं तो so, चार तीन और दो क्योंकि सहयोग कैवली भगवान तो इसके बारे में एक स्लाइड दे रहे हैं

So, ये देखिए कैसे केवली भगवान का पहले चार प्राण बताया क्योंकि वो जो छ्रव्यन्द्रिय हैं इंद्रिय का छ मन का मिला के वो नहीं भगवान का वो कोई उपयोग नहीं है इसलिए चार ही प्राण है उस चार प्राणों में से भी वचन योग के एक जाने पर तीन प्राण रह जाते हैं भगवान धीरे धीरे एक एक छोड़ते हैं वचन योग को भी छोड़ देते हैं वचन बल और पुनः उच्छ्वास निश्वास को भी निरोध होने पर दो ही रह जाते हैं और आयु केवल एक केवल आयु प्राणी रह जाते इसलिए उन्होंने चार तीन दो और एक दिखाया पूर्व संचित कर्मनो कर्म का संचय प्रति समय एक एक निशे गलते गलते न्यून रहता। ये कर्म कांड का समझेंगे कैसे ये कर्म नो कर्म का प्रति समय में डेढ़ हानि हमेशा रहता है उसको यही बात कर रहे हैं कैसे ये जो छपन छपन विधि को बात कर रहे हैं छपना विधि सो so, द्रव्यांतिक नय से तो अयोग केवल के अंतिम के समय में नष्ट हो जाता है भगवान का अयोग केवल लेकर अंतिम समय में सब नष्ट हो जाते हैं और पर्यातिक नए से अनंत समय में नष्ट हो जाता है सो ये इसकी बात कर रहे हैं ये एक आयु प्राण कैसा क्षीण हो जाता है इसकी बात हो रही है ना ये प्रश्न है भगवान का तो होते हैं कारण बट उसको कार्य रूप नहीं हो पाता इसी को कैवल्य के ध्रिवेंद्र की अपेक्षा दस प्राण क्यों नहीं है क्योंकि जो इंद्रिय जो है उसी की बात करें जो इंद्रिय भावेंद्र जो परिभाषा है उसको भावेंद्र का नाम है क्षय तो भाव का भावेंद्र कहते हैं भगवान के चाय भाव होने से वो इंद्रिय जो है भावेंद्र नहीं होते इसलिए द्रव्येंद्र तो रहते हैं वो भावेंद्र रूप से काम में आता है यही सहयोगी जिनके पांच भावेंद्रिया और भाव नहीं होता है नहीं रहता है आता है इन छह के बिना चार प्राण पाए जाते हैं पांचों इंद्रियावरण इंद्रिय आवरण कर्म के छयों के भावेंद्रिय कहते हैं परंतु जिन भगवान का जिन्हें जिनका आवरण कर्म समूल निष्ठ हो गया है उनका ये लागू नहीं होता आता है सहयोग जिनके के इंद्र नहीं पाई जाती है धबला में प्रश्नोत्तरी है उसमें ये बताया गया क्यों केवल भगवान का के केवल चार प्राणी होते हैं बारे में डिस्कशन अगला है गुणस्थान में संख्या का कथन ये संख्या एक प्ररूपना है सो गुणस्थान से संख्या तो यहाँ पे वो अंतर्भाव कराते हैं चट्टोते पड़म सन्ना सगच्छ से साय आई होप टाइम इज देयर यस ओ पड़म निगट्टे सुगमोति कमेन से सावो यानी कि यहाँ पे मिद्यादिश्य से लेकर प्रमत्त गुणस्थान पर्यंत आहार आदि चारों संख्याएं कार्य रूप में रहती है संज्ञा याद होगा आपका जो उच्चा है आहार बाय पाय और परिग्रह सो ये छे छठो थी फर्स्ट छे गुणस्थान में फर्स्ट छे गुणस्थान तक जो चारों संज्ञा काम करते हैं छठे गुणस्थान के अंत में आहार संज्ञा का विच्छेद हो जाता है अप्रमत्त गुणस्थान में जो साधु भगवान आहार को नहीं आते हैं प्रमत्त गुणस्थान में ही आहार को आहार ग्रहण करते हैं इसलिए ये आज्ञा संख्या वो इच्छा भी खत्म हो जाते है जो छठे गुणस्थान के अंतिम समय जब अप्रमत्त अवस्था में जाते हैं उस समय आहार संख्या खत्म हो जाता है शेष तीन संख्या अप्रमत्त आदि में कारण का सद्भाव होने से है बट कार्य का नहीं जो तीन है भाई माध्यम मैथुन और परिग्रह होने के बाद भी उसमें कोई कार्य काम नहीं लेते हैं कोई काम नहीं करता वो यानी कि भगवान को मैथुन संज्ञा को कोई आवेश में नहीं आते हैं और साधु का और भय भी नहीं होता और परिग्रह तो नहीं है अपूर्वकरण में सो ये इसकी बात करें संज्ञा का देखिएगा मिध्यात्व तो स्थान से लेके सो छह गुण स्थान तक चारों संख्याएं। अप्रमत गुण स्थान में आहार संज्ञा कदम होने से तीन रहता है अपूर्वकरण में भी तीन रहता है आनिवृत्तिकरण में क्षीण हो जाता है भय हो जाता है और सूक्ष्म संप्राय में एक ही परिग्रह का अंतिम समय वो भी खत्म हो जाता है क्षीण मोक के अयोग केवल में कोई संख्या नाम का इच्छा नाम का वो कोई भी नाम निशान नहीं है और ये बह संख्या के बारे में ये समझ में आता है सूक्ष्म में नहीं वो यहाँ पे अनिवृत अनिवृत्तिकरण का अंतिम तक रहता है अंतिम में वो खत्म हो जाता है वक्तमर स्त्रोत्र में भगवान का वंदना करने से भय संख्या खत्म हो जाता है उस टाइम पे काम में आता है इससे पता चलता है भगवान का वंदना में इतनी शक्ति है कि ये हम गुणस्थान जो है नौवा गुणस्थान तक हम स्पर्श करते हैं अगला जो अंतर्भाव का डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन है गुणस्थानों में योगों का वर्णन र सितिशु तिशु तेरम दस मिशे सत्तू नव चट्टम्मी ये आिम्मी सत्य जो का अजोगिटानम हबे सुनम ये यहाँ के लेके ये जो प्राकृत पंच से मैंने लिया है इसको मैं पढूंगा नहीं टाइम नहीं हो पाएगा आप लोग यूट्यूब पे देखते हुए दोबारा पढ़ सकते हैं इसको विवरण है तो ये देखेंगे इन्होंने सारणी दिया है मिथ्यात्व गुणस्थान में योग जो है योग टोटल पंद्रह है पंद्रह योग में मिथ्यात्व गुणस्थान में तेरह योग रहता है इसी को उन्होंने पंच संक्रमित कौन कौन सा नहीं रहता ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि की मिथ्यात्साधन अवृत सम्यक्व में तीन गुण स्थानों में आहार योग का बिना शेष तेरा तेरा योग रहता है वन टू थ्री यानी कि आहार शरीर जो लेते हैं का शरीर का आहार अंगोपांग आहार शरीर ये दो योग ना होने से पंद्रह योग में से तेरा तेरा पॉसिबल है में चारों मनोयोग चारों वचन योग औदारिका आयोग और वाय का, योग आवद, का योग दस योग होते हैं यहाँ पे दस है मिश्र गुणस्थान में यानी कि चार 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 मनोयोग चार वचन योग आठ औदारिका नौ और वैक्रिक का योग दस ये मिश्र गुणस्थान छठे गुणस्थान में आहार युक्त, युक्त है दो जोड़ने से ये क्या होता है नो योग हो जाता है यानी कि नो प्लस आहारिक यहाँ पे हमने बताया था तेरा तेरा में से और आहार जोड़ देंगे यानी कि और उसमें ग्यारह योग होते हैं नौ होते हैं नौ से नौ प्लस दो ग्यारह होते हैं इसका क्या जरा समझिए तो यहां पे छठे गुणस्थान प्रमत्त गुणस्थान में ग्यारह योग होते हैं इस गुणस्थान को छोड़कर पांचवें से बारहवें गुणस्थान तक दस योगों तक तक देखे दस योगों में से वैक्रिक का योग को छोड़कर से सात गुणस्थान में नौ नौ योग होते हैं तो इसमें ग्यारह में से वैक्रिक का योग ना होने से ये सारे आप देखेंगे कि ये सारे ये जो क्या बोलते हैं यती कहते हैं मुनि भगवान है सो तो प्रमत्त गुणस्थान से लेके और शेन कषाय पर्यंत नौ नौ योग होते हैं मनोयोग योगन योग और औदारिक शरीर एक्सेट्रा मिलाकर होते हैं सहयोगी में भाषा और मनोयोग के असत्य मृषा सत्य योग तथा औदारिक 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 मिश्र और कार्मन योग से इनके क्या हो जाता है सात हो जाते हैं जैसा हम सेकंड योगिक में भाषा मनोयोग के असत्य मृषा दट इज दी वचन योग सत्य योग रूप चार वे तथा अवत असत्य और मृषा दो असत्य मृषा और सत्य योग मनोयोग तथा औतारिक मिश्र औदारिक शरीर और कार्मन का योग के तीन मिला के सात होते हैं नवगुण स्थानों में उपयोग का कथन उपयोग आप जानते हैं ये वाला मैं छोड़ देता हूँ उपयोग को हम जानते हैं ज्ञान उपयोग आठ प्रकार के हैं और दर्शन उपयोग चार प्रकार के हैं तो बारह प्रकार के उपयोग हैं उपयोग लक्षण उसमें गुणस्थानों में कैसा होता है आदि के दो गुणस्थानों में तीनों अज्ञान व दर्शन उपयोग होते हैं यानी कि तीन ज्ञान दिखाया उपयोग यानी कि तीन अज्ञान कुमदी कु विभंग तीनों अज्ञान ये होते हैं और दर्शन उपयोग जैसे चक्षु अच्छु अच्च, दर्शन उपयोग दो होते हैं सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान ये तो दो ही कवर हो गए सम्यक मितिया तीसरे तो गुणस्थान में तीनों अज्ञान और तीनों सत्यानों को भी मिश्रित होते हैं यहाँ पे तीन दिखाते हैं यानी कि शुड बी सिक्स तीनों अज्ञान तीनों सुज्ञान यानी कि मध्य ज्ञान ज्ञान और अवधि ज्ञान तीनों तीसरे गुणस्थान में पॉसिबल है और इनकी दर्शन उपयोग तीन होते हैं यानी कि दर्शन चक्षन दर्शन, दर्शन और अवधि दर्शन तीनों पास मिश्र गुणस्थान में चौथे और पांच में इन दो गुणस्थानों में चौथे और पांचवें ये दो गुणस्थान में यानी कि फोर एंड फाइव सो तीन संज्ञान होते हैं सुमति ज्ञान श्रुध ज्ञान और अवधि ज्ञान और तीन दर्शन उपयोग होते हैं चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन तीन होते हैं इन दोनों में असम्यध गुणस्थान और देश सम्यत में इसमें ये कलंग नहीं है अज्ञान नहीं है प्रमस्त गुणस्थान में चार हो सकते हैं क्योंकि ये एक मन परिज्ञान भी जुड़ सकता है सो यहाँ पे आप देखेंगे मिश्र गुणस्थान से लेके क्षीण कषाय पर्यंत तीन दर्शन उपयोग हो सकता है यानि कि चक्षु अचक्षु अवधि और प्रमत् गुणस्थान से लेके ये सारे यदि भाव है यहाँ से क्षीण कषाय पर्यंत चार ज्ञान उपयोग हो सकता है या चार तारों सत्यन है असत्य नहीं है अज्ञान नहीं है क्योंकि मनो परिज्ञान भी हो सकते हैं और सयोग केवल में केवल एक ही ज्ञान उपयोग केवल ज्ञान और एक ही दर्शन करते हैं केवल दर्शन अयोग्य में भी यही व्यवस्था है सो इसमें जीव समास का उपयोग में जीव समास को जीव समास में उपयोग का निरूपण सो जीव सम सो so, ये या रेसु ती ती या दोसू सु चवकम च वारमेकम ही जीव समासा समास से दे वो, वो मुने हवा जीव समास चौदह में चौदह जीव समास यानी कि ग्यारह जीव समास में उपयोग केवल तीन ही होते हैं यानी कि ग्यारह जीव उसमें तीन तीन उपयोग ही होते हैं दो जीव समास में चार चार उपयोग हो सकते हैं यानी कि दो की बात कर रहे हैं और एक जीव समाज में बारह उपयोग ऑल इसको कैसे है अगले में बता रहे हैं सो so, एक में बाद सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त ये चार द्वीन्द्रिय और प्रद्रिय संबंधी पर्याप्त अपर्याप्त और एक चार और तथा चतुर्ंद्रिय असंघी और संगी अपर्याप्त ये तीन आप समझे न चतुर्रिय में असंघी और संगी में अपर्याप्त अपर्याप्त गिना जा रहा है सारा अपर्याप्त इस प्रकार इस ग्यारह जीव समास में मति अज्ञान शुद्ध अज्ञान अवधावध आ दर्शन ये तीन तीन उपयोग होते हैं तो तीन जो ग्यारह जीव समास जो बताए गए हैं इसमें यहाँ पे पर्याप्त अपर्याप्त दोनों हो जाते हैं एक इंद्रिय में द्वीन्द्रिय में त्रिंद्रिय में चतुर्द्रिय में और ये अपर्याप्त की बात हो रही है त्वीन्द्रिय और त्रिंद्रीय इंद्रिय में असंजी में संजी में अपर्याप्त ये ग्यारह जो जीव समास्टेज हैं उसमें जो टेक्सॉनमी टेक्सास हैं उसमें तीन तरह का उपयोग होता है यानी कि मध्य ज्ञान सुध ज्ञान अचुदर्शन दो है चतुरेन्द्रिय असंख्य पर्य पंचेन्द्रिय पर्याप्त इन दो में चक्षु दर्शन सहित चार हो सकता है तो दर्शन भी इसमें जुड़ जाता है तो दर्शन मिलने से और ये अचक्षु रहा या चक्षु मिलने से और ये चार हो जाते हैं तीन ज्ञान तीन अज्ञान और एक तो दो अज्ञान रातर यहाँ पे दो की बात की उन्होंने मध्य अज्ञान सुध ज्ञान, ज्ञान अचक्षु दर्शन और दर्शन मिला के चार हो जाता है और ये केवल गुणस्थान में

ये ये वाला चार की बात हो रही है मिथ्या दृष्टि संघी पंचेंद्रीय अपर्याप्तक में उपर्युक्त चार तथा सम्यक दृष्टि संघी पर्याप्त का और ये दो कैटेगरी में ये चार उपयोग होते हैं यानी मधु श्रुत मधि श्रुत अवधि ज्ञान अवधि दर्शन और ये एक जीव समास है संघी पर्याप्त का है इसमें बारह से बारह उपयोग हो सकता है इसके विवरण यहाँ दिया गया है क्लियरली समझाने के लिए उसके भी के स्किप में उपयोग का निरूपण चौथा में निरूपण है तो जो चौदह मार्ग स्थानों में वो समझाने में टाइम लगेगा इसलिए मैंने ये स्किप कर दिया आपको याद होगा ये जो रूपना होता है एक वोक है यानी कि संक्षेप में दूसरा आदेश विशेष रूप से विस्तार से ये स्थान विस्तार होने से मैंने यहाँ पे छोड़ दिया किसी को चाहिए तो स्लाइड पीछे रखा मैंने ये कर लेंगे यहाँ तक ये जो अंतर का संक्षेप में हमने समझने की को कोशिश किया आज का दिन मैं शुरू में कह रहा था श्रुता पंचमी पर्व मनाया जाता है इसके विवरण हम श्रुतावतार एक ग्रंथ है तमिल में मैंने पब्लिश कराया ये इंद्रनंदी आचार्य ने टेंथ सेंचुरी में श्रुतावतार श्रुतों का हमारा जो श्रोत ज्ञान के जो हमारे पुस्तक रूप में पढ़ते हैं ये कैसा शुरू हुआ यानी कि इसके बारे में तो सुंदर वर्णन बुक में उसमें यहाँ आके ये गाथा शुरू हो रहा है जो ये षटागम रचना आरोप्य, आरोप्य असद्भावस्थावनया पुस्तकेषु तथा ज्येष्ठसिद्धपक्षपञ्चम्यां चादुर्वण्यशङ्कसमवेत तत् पुस्तक उपकरण उपकरणैव्यदाहात् प्रियापूर्वकं पूजां सुधपञ्चमी इति तेन प्रख्यातिं तिथिरिह्यं परापा परामाप अत्यापी तमाम पूजाते जैना दिस्टोरिकल फैक्ट गिव फिफ्टी सिक्स ए डी सिक्स हंड्रेड एंड एटी थ्री वीर निर्वाण के बाद ये विशेष काम हुआ है ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन भूतबली आचार्य पटारक ने मधुरे में ये ष्घंटा तो रचना छह हजार सूत्र प्रमाण रचना का कंप्लीट किया था इसलिए उसको रूप से पहले बार पुस्तक रूप से उन्होंने कंप्लीट किया पुस्तक सद्भाव नहीं है से पढ़ने से हमें सद्भाव होता है दैट इज वो द्रव्य स्रोत है और भाव स्रोत हमें पढ़ने से मिलता है इसलिए असदभाव स्थापना उन्होंने किया है वो ज्येष्ठ शपक्ष पंचम्याम चतुर्वर्ण के सामने बड़े उत्सव मनाया मधुरे में उस पर श्रुत पंचमी श्रुत पंचम पंचमी होने से वो पंचमी करके आजकल सभी जैन उसको मनाते हैं अत्यावी ये नश्याम श्रुत पूजा पूर्वी षा ग्राहकों के पहला ग्रंथ है पुस्तक रूप से बनाया गया अदरवाइज श्रुत परंपरा में कर्ण परंपरा में, में चलता है तो इसके बारे में मुझे ये बताना है सो so, ये जो द साइकिल इज कंप्लीट गुजरात में गिरना पर्वत में शुरू होके तमिलनाडु में जाके एक ग्रंथ रचाया गया मैं तमिलनाडु से आके अहमदाबाद इसमें ये इसको पढ़ने की ये ये जो शठघ घंटा साथ पढ़ने के मुझे विशेष लब्धि मिला है आई फील द साइकिल इज कंप्लीट और एक बात बताना है जो जब गिरनार परोसे से दारसेन आचार्य रिट ए मैसेज टू अरगद बली वो द आचार्य दक्षिण में उनसे कहा मुझे दो योग्य सुयोग्य साधु परमेश चाहिए वो मेरे से ये सुनेंगे ये जो दृष्टिवाद अंक जो मेरे पास शेष रह गया है उसके दिन आगे इसको ले जाएंगे बिकॉज मेरा आयु कम हो रहा है तो तब भी इन्होंने अर्गत बलि ने उस मुनि संघ में देखा था कि बुद्ध बलि और पुष्पदंत दोनों को उन्होंने चुना था बुद्ध बलि एक्चुअली वो नाम जो है अंबिका देवी से दिया गया है पुष्प दंत भी अंबिका देवी से दिया गया है जब इन्होंने अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया है बट उनका क्या नाम रहा मैं नहीं पता है बुद्ध बलि पांड्य किंगडम के प्रिंस रहे उसको दीक्षा से पहले इसलिए उन्होंने अरगत बलि ने देखा ये इनके अंदर व्यवस्था है मदर में जाएंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पुष्प दंत जो है इनका मिनिस्टर थे उनके जो पार्टी है किंगडम के, के और पुष्प दंत आचार्य जो है मेरा तालुका है वैंडी वाश। उसको पुराना टाइम वनवास कहते थे अभी भी ये फॉरेस्ट रेंज में आता है उसको धवल करके एक क्षेत्र है मेरे गांव के पास में ही है वो दो गिरी है एक धवल गिरी दूसरा नीलगिरी नीलगिरी में आचार्य कुंदकुदाचार्य के धपोभूमि रहा वहाँ पे समाधि मरण हुआ उनका और पुष्प दंदाचार्य को पास में जो धवल गिरी है वहाँ पे उनका समाधि हुआ धवल गिरी नाम इसलिए रखा गया है धवला ग्रंथ को रचाने के रचने के बाद उसको धवल रखा होगा उसके पास में दो दो गांव है उसका भी धवलगिरी नाम है तमिल में वैनकुंडरम कहते हैं और दूसरे गांव में नीलगिरी है उसको पुन्नूर कहते हैं जो पुन्नूर जो नीलगिरी जो पहाड़ है गिरी है कहां जी स्वामी जी के इनके जो अनुयायी लोग ने बहुत सुंदर मंदिर बना के वहाँ पे पुन्नूर प्रसिद्ध हुआ है सो ऐसे ये दोनों जो महान तमिलनाडु के रहे और मेरा सौभाग्य शायद वहाँ के जन्म होने से इस ग्रंथों का अध्ययन करने का तो मुझे शायद सौभाग्य मिला होगा ऐसे पावन सुद पंचमी दिवस का आपके साथ हम लोग आज मना रहे हैं अभी सभी को मैं बधाई देता हूँ इसके साथ मैं कृतज्ञता हूँ अभिमत सिद्धि सुबोध प्रबोधि शास्त्रात्पत्ति रात बिश पूबुद्ध है नहिकृतम उपकार साधवो विस्मरण थे तो ये श्रुत परंपरा को मैं विस्मरण नहीं करूंगा किसी को ये जो ये स्तुति है अक्षर मात्र पत स्वर हीनम व्यंजन संधि विवक्षित रेफम साधु बिरत्र मम शमिद्यम को न विमुख्य शास्त्र मेरे से ज्ञान जाने अनजाने में जो उच्चारण में अक्षर पद में हीन हो जाता हो और व्यंजन में भी संधि में भी ऐसे कुछ ऊपर नीचे हुआ तो सभी को मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ साथ साथ मैं जय इसको धन्यवाद देता हूँ आप सभी को धन्यवाद देता हूँ आज जो फोन तंग कर रहा था मेरे को जरा आई साइट में प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से थोड़ा आप भी तो कुछ कष्ट रहा होगा उसके लिए भी मैं क्षमा आती जय दिनेद